आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली टॉपिक जो आपका है वो है ट्रॉमाटोलॉजी, लेकिन आपको जो सिलेबस मिलता है या जो मिलती है चीज़ें उसमें मैकेनिकल इंजरीज लिखी होती हैं, तो वो मैकेनिकल हैं, केमिकल अलग है, रेडिएशन इंजरीज अलग है। जो मेन अंदर चीज़ है वो है ट्रॉमाटोलॉजी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में आपको जो हम चीज़ें करेंगे बेसिक उसमें ये बताना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज, कैसे क्लासिफाई करना है, या कर चुके कल उसका रिकॉल है, आइडेंटिफाई कैसे करना है इंजरीज को, ये हम साथ साथ करेंगे। ब्रूज है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेसरेशन है, ये फिर लेक्चर्स सब्सिक्वेंट लेक्चर्स चलता रहेगा। और आज उसका आइडिया है बेसिक। फिर फैक्टर्स जो अपीयरेंस ऑफ वुंड को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, और डिफरेंस कैसे करते हैं एंटी मॉर्टम पोस्ट मॉर्टम वुंड, ये आप तकरीबन कल कर चुके हो, ये वाला जो हम आज इसको टच करेंगे। तो पहले बेसिक जो मैंने भी आपको पूछा था, व्हाट इज ट्रॉमाटोलॉजी, डेफिनेशन क्या है। एनी फिजिकल और स्ट्रक्चरल डैमेज टू द बॉडी बाय एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स और एनर्जी, जो इन्होंने कहा है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या कोई एनर्जी, चाहे वो वेपन है, चाहे हाथ है, या किसी भी चीज़ से, उससे कोई भी डैमेज होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे स्ट्रक्चरल हो, उसको हम कहते हैं ट्रॉमा, उसकी स्टडी को कहते हैं ट्रॉमाटोलॉजी। इंजरी और वुंड में क्या फर्क है, कल बताया था सर ने, इसको बताओ बेसिक क्या है, मेन चीज क्या फर्क है, डिफाइन इंजरी। ये चीजें वाइवा में आती हैं, पूछते हैं चीजें, फिर आप कंफ्यूज होते हो। एनी हार्म कॉज्ड इलीगली टू एनी पर्सन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इंजरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, बॉडी भी आ गई पूरी, ठीक है, फिजिकल भी आ गया सारा, मेंटल भी आ गया, उसकी प्रॉपर्टी भी आ गई, ठीक है, किसी ने उसको हरेस किया वो भी आ गया, किसी ने उसको प्रॉपर्टी उसकी जब्त कर ली है, कुछ कर लिया, वो चीज़ें भी आ गई उसकी थी। तो मेंटल इंजरी कहते हैं, फिजिकल इंजरी कहते हैं, बॉडी इंजरी कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी आती हैं। वुंड क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल इंजरी जो ब्रेक इन स्किन इंटेग्रिटी, विच कॉजेज ब्रेक इन स्किन इंटेग्रिटी या बॉडी टिश्यूज इंटेग्रिटी, ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब पाकिस्तान लॉज के अंदर इनको कंबाइन कर दिया गया है एक टर्म के अंदर, क्या है वो, हर्ट और किसासन दिए, ठीक है, ये आप लॉ के अंदर करोगे डिटेल के साथ, वो वही चीज़ है, लेकिन उसको उन्होंने इसके अंदर डाल दिया ताकि वो क्लासीफाई कर सके इंजरीज को अकॉर्डिंग टू लॉ। ये विद पैसेज ऑफ टाइम हम लॉ के साथ साथ, या ये जब आप आगे अभी बाकी इंजरीज करोगे तो उसके साथ आप। इंजरीज की टाइप्स, मैकेनिकल इंजरीज जो हम लोग अभी ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, थर्मल इंजरीज ये आप लोगों में पढ़ाऊंगा जिसमें बर्न्स आ जाते हैं, स्कैर्स आ जाते हैं, वेट बर्न, ड्राई बर्न, केमिकल इंजरीज, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, फिर ये कल सामने पढ़ाया था, शार्प एज हो सकते हैं, ब्लंट एज हो सकते हैं, फायर आर्म हो सकती हैं, मल्टीपल इसकी बेसिस हो सकती हैं। मैकेनिज्म ऑफ वुंड प्रोडक्शन कल कर गए थे, कैसे प्रोड्यूस होता है वुंड, लॉज वगैरह जो सर ने बताए थे, लॉज और बताए थे ना सर ने, हाँ कौन से, हाँ वही चीज़ है बेसिकली, कि वुंड प्रोडक्शन इज बेसिकली इंट्रैक्शन बिटवीन द अप्लाइड फोर्स, ये जो आ रही है, ऑन द टिश्यू, एंड इट ओबेज द लॉज ऑफ फिजिक्स। कौन से लॉज हैं ये आ जाता है, अगर कोई पूछ ले, वही बेसिक लॉज है, लॉज ऑफ इलास्टिसिटी, टिश्यू इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिक है ये, आप इसको छोड़ोगे वापस जाएगी, ठीक है, और हुक्स लॉ भी यही है, या लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हुक्स लॉ, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो उसको हम लोग स्टडी करते हुए भी इंजरीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फैक्टर्स कौन से हैं जो मॉडिफाई करते हैं वुंड को, जो आप अभी बता रहे थे वो तीन एलिमेंट्स होते हैं, कि एक वुंड प्रोडक्शन के लिए या एक वुंड के लिए, एक जख्म के लिए क्या क्या चीज़ें, तीन रिक्वायरमेंट है, एलिमेंट्स क्या होते हैं तीन, इधर से बताओ, एक वुंड प्रोड्यूस होता है उसके लिए क्या क्या तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हाँ ठीक है, वेपन उसको ब्रॉड करो ना, जरा एक ऑब्जेक्ट,
इट कैन बी एनी थिंग, ठीक है, फायर आर्म भी हो सकता है, स्टिक्स भी हो सकती हैं, स्टोन हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, हाँ ये सारी चीज़ कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो अटैक या फोर्स लग रही है, और कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, चाहे वो फायर आर्म है, चाहे वो ये आपको माइक इधर है, चाहे वो फायर आर्म है, चाहे वो ये अगर मैं इस तरह मारूंगा, ये भी चीज़ें वेपन ही बन जाता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ, ये प्रोड्यूस करती हैं वूंड। तो इन तीनों का होना लाजमी है एक वूंड प्रोटेक्शन के लिए। एहसान साहब माइक आप नहीं लगा के गए थे? अच्छा, तो ऑब्जेक्ट ये फोर्स और वेपन कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट बॉडी और बॉडी के पार्ट्स टिश्यूज, कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट फोर्स, चाहे वो छुरी है, चाहे वो फायर आर्म है, उसकी मूवमेंट और उसकी फ्रिक्शन या उसका कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोथ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये कल सर ने करा दिया था आपको डिटेल से। तो इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर कॉजिटिव एजेंट या वेपन जो हो सकता है या फोर्स हो सकती है, हाथ से भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। और उसमें जो चीज़ें हम लोग देखनी है वो है क्वालिटी ऑफ अ वेपन, किस चीज़ से वो वूंड प्रोड्यूस हुआ है, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स से हुआ है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, या मूवमेंट क्या थी ऑफ द वेपन या ऑफ द बॉडी। क्वालिटी ऑफ वेपन का बताओ क्या मतलब है? हाँ आप दोनों, इंटरेस्टिंग क्वालिटी ऑफ वेपन, शार्प ब्लंट फायर आर्म, हाँ हाँ जी, ब्लंट वेपन में किस तरह के आते हैं वेपन्स, ईंट रॉड, हाँ स्टिक्स वगैरह, ठीक है, उससे किस तरह की इंजरी प्रोड्यूस होती हैं ये डिटेल में आप करोगे साथ साथ। ब्लंट वेपन इस तरह के हो सकते हैं, ब्लंट वेपन जो होता है या ईंट है या स्टिक है रॉड है, उसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट जो है वो ज़रा ब्रॉडर होता है, जबकि ये छुरी या कोई इस तरह पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एक्ट करता है, उसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट जो कम हो जाता है, ठीक है। अब ये जिस तरह फुट रूलर है, ये दोनों शरारत कर रहे हैं, मैं फुट रूलर है, मैं पकड़ के इस तरह स्कूलों में होता था वो मारूंगा हाथ पे, तो मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, ठीक है, फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा नॉर्मल फोर्स के साथ, तो क्या रिएक्शन आएगा स्किन पे, रेडनेस, रेड हो जाता है, थप्पड़ पड़ता है मुंह पे, गाल रेड हो जाता है। तो ये सिंपल फोर्स मैंने नॉर्मल लगाई, इसी को मैं ज़रा और ज़्यादा फोर्स से मारूंगा तो क्या होगा, हाँ वूंड प्रोड्यूस हो सकता है, ब्रूज बन सकता है, ठीक है, स्किन रप्चर हो सकती है, और ज़ोर से मारूंगा तो टीयरिंग ऑफ मसल्स या बोन फ्रैक्चर। तो ये डिपेंड करता है कि वेपन क्या है, किस तरह से आप ब्लंट वेपन जो है वो सिंपल इंजरी से लेके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर शार्प वेपन है, शार्प वेपन का भी बताया था कि जितना छुरी है उसका टिप होता है और उसका वो मार्जिन होता है, तो इट कैन कॉज पेनिट्रेटिंग वूंड, इट कैन कॉज इनसाइज वूंड, बताया था ना कल सर ने, स्टैब वूंड का मैंने आपको दिखाया था एक्सरे इस तरह का, और बताया था आपको कि स्टैब वूंड जो है उसको किस में क्लासीफाई करते हैं। अब छुरी जो है वो अगर वो पेनिट्रेट हुई भी है, स्टैब वूंड है वो अंदर टिश्यू के गई भी है, तो वो डेप्थ उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, जबकि इनसाइज वूंड जो होता है उसमें लेंथ ज़्यादा होती है। ये इनसाइज और स्टैब जब आप करोगे तो डिटेल से इसके अंदर देखोगे फिर आप, कि लेंथ इज़ द ग्रेटेस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ इनसाइज वूंड्स एंड डेप्थ इज़ द ग्रेटेस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ स्टैब वूंड्स, ये चीज़ें आप करोगे साथ साथ। ये देखो इनसाइज वूंड है। फिर फायर आर्म वूंड्स होते हैं, इसमें एंटी वूंड मिल जाता है हमें, एग्जिट वूंड मिल जाता है, दोनों मिल जाते हैं, उनका ट्रैक मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो क्वालिटी ऑफ वेपन होगी। अब इसके अंदर हमें बर्निंग, ब्लैकनिंग, ये सारी फायर आर्म में आप पढ़ोगे, टैटूइंग जो गन पाउडर होता है उसका मार्क, फिर जो उसका टिश्यू रिस्पॉन्स, वो सारी चीज़ें हमें उसके अंदर ये इनके साथ मिलेंगी। जल्दी आओ, अब दूसरी चीज़ थी पहले इंटरेस्टिंग क्वालिटी ऑफ वेपन, फिर फोर्स और फिर वेलोसिटी। फोर्स से क्या समझ आता है,
जो भी मैंने आपको चीज़ बताई, जिस तरह ब्लंट वेपन का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो जितनी ज़ोर से मारोगे, जितनी उसकी फोर्स होगी, उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। या एक दीवार है, उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो वो दीवार जो है वो रेजिस्ट करेगी आगे से। या आप दोनों हो, आर्म रेसलिंग कर रहे हो आपस में, तो एक दूसरे को पुश कर रहे हो, लेकिन दोनों रेजिस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। फिर जो जिसकी एकदम से रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, दूसरा उसको पुश कर देगा उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म होने की वजह से। इसी तरह वूंड में होता है, स्किन जो होती है वो रेजिस्ट कर रही होती है, नीचे इसके मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं फोर्स को जो ऊपर से आ रही होती है। ये प्रोटेक्टिव है हमारे ऊपर, स्किन जो है ना, ये इसी तरह प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अब इलास्टिक है, रबर बैंड है, उसको आप खींचते रहोगे, पुल करते रहोगे, एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। ये इसी तरह हमारी स्किन होती है। तो ये जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि स्किन, ये लॉज ऑफ इलास्टिसिटी वो यही है कि स्किन एक लिमिट तक रेजिस्टेंस शो करती है। अब यहाँ पे अगर चीज़ वो कोई रगड़ खा रही है अगर, या फ्रिक्शन हो रही है, तो एक लिमिट तक होगी, उस लिमिट अगर क्रॉस हो जाएगी, स्किन रपच्चर हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये होता है बेसिक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स की जो डेफिनेशन है। फिर वेलोसिटी में क्या होता है, ये थोड़ा फिजिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन ये बाद में आपके जो इसके बाकी चीज़ें आप पढ़ोगे, टॉपिक्स फायर हम उसमें काम आएंगी। फोर्स ये फिजिक्स में पढ़ चुके हो, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। एक ये चीज़ है, इसका ये मास है, ठीक है। एक ये माइक है, इसका मास तो रखा हमने, तो ये मास हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, कितनी स्पीड से वो जाके लगेगा, ये होता है वेलोसिटी। अब बुलेट है, उसमें क्या चीज़ होती है, क्वालिटी। बुलेट और ब्रिक में क्या फ़र्क है, ब्रिक का मास ज़्यादा है, बुलेट का मास कम है, लेकिन वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, बुलेट की। तो इट कैन कॉज ज़्यादा इम्पैक्ट एट द इंजरी एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू ब्रिक या स्टोन, अगर इस तरह मारा जाए, ये वेलोसिटी का ये फ़र्क आ जाता है, ठीक है। समझ आई चीज़, फोर्स और वेलोसिटी। या आगे इंजरी जो आप एब्रेजन, ब्रूज, ये सारी चीज़ें करोगे उसमें काम आएंगे फिर। तो इट कैन कॉज मल्टीपल इंजरीज, ये जिस तरह मैंने बताया था, एरिथीमा, रेडनेस, ब्रूज, लेसरेशन या फ्रैक्चर्स, डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स है, कितनी है उसकी वेलोसिटी है। या बुलेट से अगर लगेगी जाके, तो फायर आर्म एंट्री वाउंड बन जाता है, क्रशिंग वाउंड बन जाता है, अगर कॉन्टैक्ट के साथ है तो बिल्कुल स्प्लैटर हो जाता है। ये डिपेंड करता है सारा इस पर। फिर कॉन्टैक्ट एरिया का मैंने आपको बताया था कि सपोज इन साइज वाउंड, सपोज नाइफ वाउंड, नाइफ के साथ अगर कोई इंजरी है, तो वो एक एरिया जो होता है उसका स्पेसिफिक या फोकस हो जाता है। तो फोर्स जो हम अप्लाई करने हैं, कम एरिया के ऊपर अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाए, तो वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू द बिगर एरिया, क्योंकि वो फोर्स जो है वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। अब ये थप्पड़ अगर मारा है तो ये फोर्स स्प्रेड हो गई है, लेकिन यही मैं अगर किसी ब्लंट स्टिक से मारूंगा, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके लगेगी, वहाँ पे ज़्यादा उसकी इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये एरिया फैक्टर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया जहाँ पे वूंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर टारगेट फैक्टर, टारगेट फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है कि जहाँ पे इम्पैक्ट लगा है, या जहाँ पे वो वेपन या जहाँ पे वो फोर्स लगी है, उधर भी इंजरी हो सकती है और उससे फार अवे भी इंजरी हो सकती है। टारगेट फैक्टर इसमें ये चीज़ आ जाती है। सपोज द वूंड विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड और ट्रांसफर टू द एरिया ऑफ टिश्यूज एंड द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड द साइट ऑफ टारगेट एरिया। अब ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टारगेट एरिया। जैसे एक बंदा है, उसने छत से छलांग मारी है, ठीक है, सीधा, और फुट आके उसका ज़मीन पे लगा है, गिरा है और ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, लेकिन फ्रैक्चर जो है उसका, हाँ ये कल सर ने बताया होगा या वैसे नहीं, हाँ इसमें अब ये दो चीज़ें आ जाती हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, जब उसने गिरा है आके तो फुट पे इम्पैक्ट हुआ, एक तो वहाँ भी फ्रैक्चर हो सकता है, ये नहीं कि वहाँ नहीं होगा, लेकिन एक फोर्स भी उसकी ट्रांसमिट हुई है ऊपर बॉडी में। तो जब वो इस तरह आके गिरेगा, ये जब इस तरह गिरेगा, तो यहाँ से फोर्स ट्रांसमिट होगी टुवर्ड्स द स्कल, तो इस तरह से हमें स्केच फ्रैक्चर जो है वो मिलेंगे फार एरियाज पे,
तो ये बेस ऑफ स्कल भी हमें इसका फ्रैक्चर उसका ट्रांसमिट होता है, वेट ट्रांसमिट होता है उसका फुट से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके बेस ऑफ स्कल तक। तो ये एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दोनों जगह पे हमें फ्रैक्चर मिल सकते हैं। तो इसलिए इंजरी की बेसिक यही चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से इंजरीज हमें मिल सकती हैं। तो वो गिरा है, किसी ने स्कल चेक ही नहीं किया, नीचे फुट फ्रैक्चर लिख दिया सिर्फ, ऑटोप्सी दी उसमें देखा ही नहीं, तो मिस हो जाती हैं चीज़ें, नेगेटिव ऑटोप्सी जो मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें लिंक है आपस में। फिर कार एक्सीडेंट होता है अगर अल्लाह ना करे, तो ड्राइवर के अंदर किस तरह की इंजरीज आती हैं, ये भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आप पढ़ोगे, ये भी टारगेट से रिलेटेड है, इम्पैक्ट और टारगेट। कि कार जाके सडन दूसरी कार में लगी है फुल स्पीड पे या वॉल के अंदर लगी है, इम्पैक्ट हुआ है फ्रंट पे, तो जो ड्राइवर है उसको किस तरह की इंजरीज होंगी, वो स्कल भी होगी, स्कल की हेड की इंजरीज होगी, और ये जब मैं ट्रांसमिशन वाली बात कर रहा हूँ कि उसका पैडल जो है उसने प्रेस किया, वहाँ से फोर्स ट्रांसमिट हुई फीमर पे और पेल्विस पे, तो फ्रैक्चर हमें यहाँ मिलेगा पेल्विस के ऊपर। वो बैठा हुआ है ना, उसने प्रेस किया, लोग पीछे को पुश हुआ, ठीक है, इम्पैक्ट से वो उसकी फोर्स गई जाके पेल्विस पे और पेल्विक बोन जो है वो फ्रैक्चर की, पेल्विक जॉइंट फ्रैक्चर किया। उसी तरह हाथों पे स्टेयरिंग की वजह से वो फोर्स कहाँ गई, जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ शोल्डर के ऊपर, तो फायर इंजरी कहाँ मिली हमें, शोल्डर के ऊपर फ्रैक्चर मिले। सर आके लगा डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये RTA में पढ़ोगे आप लोग, हेड जो है वो आके कोलाइड किया डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह से, ये कहा गया ना मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ पे, फोर्स आके मैक्सिममली कंसंट्रेट करती है, तो यहाँ एक शोल्डर पे और एक हिप जॉइंट के ऊपर, तो ये एरिया ऑफ इम्पैक्ट पे भी इंजरी मिलेंगी, और जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जाके लग रही है या क्लोज हो रही है जहाँ के, उधर भी हमें फ्रैक्चर और इंजरीज मिलेंगी। अब ये देखो, ये वो दो इंजरी आ गई, फिर हेड भी आके कोलाइड करेगा। ये आप RTA के अंदर पढ़ोगे कि हेड जब कोलाइड करेगा तो एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट मेन इंजरी होगी, फिर उसके बाद जब आप कार को एकदम से एक्सेलरेट करते हो या ब्रेक लगाते हो तो इस तरह से मूवमेंट होती है ना बॉडी की, जब एकदम से स्पीड दोगे तो इस तरह एकदम से पीछे की तरफ मूवमेंट होती है, फिजिक्स का लॉ है ये। तो जब मूविंग हेड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी डैशबोर्ड या स्टेयरिंग, तो एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पर इंजरी होगी, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कोप इंजरी, कोप होता है एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ब्रेन की इंजरी यहाँ पर मिलेगी हमें, ठीक है। और दूसरी इस तरह होगा सर, ब्रेन मूव करेगा पीछे को, ब्रेन के बैक साइड पे हमें जो इंजरी मिलेगी उसको हम कहते हैं काउंटर कोप इंजरी, ये RTA में आप पढ़ोगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर, ये जो चीज़ है इस तरह से। इम्पैक्ट और टारगेट फैक्टर जो है वो ये वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन एग्जांपल्स के साथ, ये डिटेल में आप करोगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर। ये बोलो, फिर हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन ऑफ हेड, जो भी मैंने आपको बताया था, ये और ये फ्रंट पे हेड आता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर फ्लेक्शन हाइपर एक्सटेंशन। इससे क्या इंजरी हो सकती है, सर्वाइकल इंजरी, विप्लैश इंजरी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये भी ऑपोजिट साइड पे मिली जाके, उसके बाद ये कंकशन वगैरह जिसने आपने भी बताया था, ये भी होता है, ब्रेन की मूवमेंट होती है, बैक साइड पे काउंटर कोप इंजरी होती है। फिर आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन ऑफ द टिश्यू, जो पुलिस टॉर्चर इंजरीज के अंदर आप लोग करोगे, इसको उठाओ, साहिवाल आ गया, को चाय पी ले, चाय पी लो, उठ के 10 मिनट है आपके पास। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ अ टिश्यू, उस पर डिपेंड करता है कि इंजरी किस तरह की प्रोड्यूस होगी। पुलिस टॉर्चर इंजरीज आप लोग करोगे लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को, तो पुलिस टॉर्चर इंजरीज के अंदर मल्टीपल इंजरीज होती हैं, सिगरेट बट इंजरीज हो गई स्किन के ऊपर, ब्रूजेज हो गए, फ्रैक्चर्स हो गए। अब ब्लंट स्टिक जो है अगर सर पर मारी जाए या थाई पर मारी जाए या बटक पर मारी जाए तो किस तरह का वुंड प्रोड्यूस होगा, ब्रूजिंग भी होगी, लेकिन सर के ऊपर क्योंकि लेसरेशन टाइप वुंड होगा, क्यों कि नीचे जो है वो मसल टिश्यू फैट वगैरह हर चीज़ आ जाती है, ऊपर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, लेयर्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ऊपर अगर वो इंपैक्ट
उस एरिया पे लगेगा तो वो इट कैन कॉज ओपन लैसरेटेड वोंड। वही स्टिक अगर हम बटक्स पे या थाई पे मारेंगे, वहाँ पे टिश्यू फैट वगैरह ज़्यादा है तो इट कैन कॉज ब्रूज, बहुत ज़ोर से होगा तो इट कैन कॉज रपच्चर या एब्रेजन। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन ऑफ टिश्यू या एरिया ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है वोंड प्रोटेक्शन के अंदर। ये वही मैंने आपको बताया। फिर एस्फिक्सिया के अंदर स्टैम्पीड होती है अक्सर, रश के अंदर भागते हैं जब एकदम से ब्लास्ट होता है तो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं या पांव रख देते हैं चेस्ट के ऊपर, कंप्रेशन इंजरीज जिसको कहते हैं। तो कंप्रेशन इंजरीज के अंदर क्या होता है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के अंदर चेस्ट कंप्रेशन होती है। चेस्ट कंप्रेशन होगी तो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी है, लंग्स हैं, हार्ट है, वो भी रप्चर हो जाते हैं। फ्लूइड ऑर्गन्स होते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक वगैरह, वो रप्चर हो जाते हैं। फिर ब्लास्ट इंजरीज होती हैं, उनमें डायरेक्ट तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ना, लेकिन आपने देखा होगा जब काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होते थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं उसकी। ब्लास्ट इंजरीज के अंदर क्या होता है, हाँ, उसकी प्रेशर वेव्स इतनी होती हैं कि वो इनडायरेक्ट इंजरीज करती हैं, ईयर ड्रम रप्चर हो गया या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया या जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनका रप्चर हो गया। ये ब्लास्ट इंजरीज जो है इनडायरेक्ट इंजरीज कॉज करती हैं। ये जिसका मैंने आपको बताया चेस्ट कंप्रेशन के अंदर इंजरी जो है वो चेस्ट के लेवल पे, लेकिन उसकी आईज के अंदर हमें पेटिकियल हेमरेजेस या सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस मिलेंगी। प्रेशर एकदम से गया ऊपर तो वो जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं वो रप्चर करती हैं, तो वहाँ पे हमें पेटिकियल हेमरेजेस होती हैं, पिन पॉइंट हेमरेजेस, या आप एस्फिक्सिया के अंदर डिटेल में पढ़ोगे इस तरह से। ये तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज है, लेकिन पेटिकियल हेमरेजेस होती हैं, पिन पॉइंट स्पेसिफिक हेमरेजेस। ये तो बेसिक मैकेनिज्म हो गया, जो तीन चीज़ें थी, एरिया, कॉन्टैक्ट, टारगेट फैक्टर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैकेनिज्म, वूंड, इसको हमने कर लिया डिटेल से। और ये अगर आपको पता हो तो आप इतना आप खुद भी लिख सकते हो, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वूंड्स। अब इंजरीज मल्टीपल इंजरीज हो सकती हैं बॉडी के ऊपर, ब्रूज से लेके एब्रेजन। ब्रूज क्या होता है, नील जिसे कहते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ लगे तो सबसे पहले सुपरफिशियल प्रोटेक्शन होती है स्किन की, मसल की, फैट उसकी, सबकुटेनियस टिश्यू की, फैट की, तो वो कोशिश करते हैं कि इंजरी डीप ना हो। तो सुपरफिशियल वेसल्स सुपर रप्चर हो जाती हैं, वो हमें रेडिश सा या ब्लूइश सा अपीयरेंस देती हैं ब्रूज का। ठीक है, फिर एब्रेजन क्या होता है, ये वैसे डिटेल से करेंगे, बेसिक वैसे ही पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ एब्रेजन, फ्रिक्शन या रगड़ लगती है जिस तरह। ठीक है, तो वो कांटा जो होता है या ये चीज़ होती है, ये भी एब्रेजन है, फ्रिक्शन एब्रेजन, या स्क्रैच हो जाए, ग्रेज हो गया। ठीक है, और अगर वो कट जाए पूरा हाथ कट जाए अगर, इसको क्या कहेंगे, एम्पुटेशन या एवल्जन। ठीक है, ये डिटेल से करोगे। लेसरेशन क्या होता है, कट, डीप कट, फिर इनसाइज वूंड, स्टैब वूंड, ये सारी चीज़ें करोगे आप। अभी हमने देखना है मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वूंड के अंदर, ये चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं, उनके पैथोफिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो आप हर इंजरी का करोगे डिटेल के साथ, एज ऑफ इंजरी के, ब्रूज होता है जिस तरह सपोज़, ये भी आप करोगे ब्रूज के अंदर, कि ब्रूज के अंदर उसकी एज ऑफ ब्रूज डिटरमिन करें। किस तरह करोगे आप ब्रूज की एज किस तरह डिटरमिन करोगे, ब्रूज की एज ऑफ इंजरी है, ब्रूज है, कैसे? ठीक है, कलर से, शाबाश। ठीक है, उसका कलर देख के आप बता सकते हो कि ये कितना पुराना है, इंजरी कितनी पुरानी है, तो इससे आप इसको आइडिया ले लोगे। इसी तरह बाकी इंजरीज होती हैं कि लेट सपोज आपको कट है, ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम वो हील होता रहता है, कोगुलेशन टिश्यू बनता रहता है, स्कैब बन जाता है, फिर स्कार बन जाता है, फिर वो एक स्कैब सा बन जाता है ऊपर, तो ये एज ऑफ इंजरी होती है, इसको हम कहते हैं एज ऑफ इंजरी। फिर नेचर ऑफ वूंड के एंटीमार्टम है, पोस्टमार्टम है, इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो। ये दो तीन चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं कि एंटीमार्टम पोस्टमार्टम वूंड का डिफरेंस बताएं, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम बर्न्स करोगे उसका डिफरेंस बताएं, एंटीमार्टम पोस्टमार्टम
ब्रूज, इसका डिफरेंस बताएंगे। एंटी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न डिफरेंसेज जो हैं ये काफ़ी जगह पे पूछ लिया जाता है, तो इसको गौर से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है ये। अब इसके अंदर ग्रॉस एग्जामिनेशन आ जाता है, हिस्टोलॉजिकल आ जाता है, बायोकेमिकल एंड हिस्टोकेमिकल। उसको मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है। व्हाट इज वाइटल रिएक्शन, पैथो भी साथ साथ पढ़े हो ना आप। व्हाट इज वाइटल रिएक्शन, क्या देख रही हो फोन आप बताओ, वाइटल रिएक्शन क्या है। पैथो पढ़ के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होता है, जब भी इंजरी प्रोड्यूस होगी वहाँ भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो उसको पैथो में पैथोलॉजिकली उसको दो जोन्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल जोन ऑफ इंजरी एंड पेरिफेरल जोन ऑफ इंजरी। जहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है, पेरिफेरल जोन ऑफ द वुंड, ये वाला। यहाँ पे तो कटिंग हो जाती है ना, यहाँ से वो ग्रोथ होनी शुरू होती है, सेल आते हैं सारे और वुंड को फिल करना शुरू होते हैं। तो जहाँ से सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है और वुंड फिलिंग शुरू होती है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ पॉजिटिव वाइटल रिएक्शन, ठीक है। तो ये लिविंग पर्सन के अंदर ही होता है, वाइटल रिएक्शन जो है लिविंग में ही होगा। डेड के अंदर अगर आप कट मार दोगे तो वो उसी तरह रहेगा, उसमें नेगेटिव ही रहेगा, वाइटल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये टेबल मैंने बनाया है इसको बुक से, हेमरेज या स्टेनिंग ये यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा। ये है एंटीमार्टम टेबल, ये है पोस्टमार्टम टेबल, ये ऊपर वो टेक्स्ट नहीं आ रहा इसके ऊपर। ये है फीचर्स, ये एंटीमार्टम में क्या चीज़ नज़र आएंगी, ये पोस्टमार्टम में क्या नज़र आएंगी, समझ आ रहा है। अब हेमरेज जो है एंटीमार्टम के अंदर, कोई इंजरी होगी, कोई वूंड होगा तो ब्लड फौरन निकलेगा, ठीक है, आर्टीरियल है, वीनस है, वट एवर इट इज़। लेकिन पोस्टमार्टम के अंदर कोई कट होगा तो अगर फ्रेश है बॉडी तो स्लाइटली निकल सकता है या एब्सेंट हो जाएगा क्लॉटिंग की वजह से। नेचर ऑफ ब्लड, आर्टीरियल ज़्यादातर जो होता है वो आर्टीरियल होता है या वीनस जिस तरह होता है वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड को किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वीनस से, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पढ़ भी चुके हो प्रैक्टिकल में लास्ट वीक, कलर भी और करेक्टर क्या था, यस प्रेशर होता है आर्टीरियल ब्लड, या प्रेशर के साथ होता है स्पर्टिंग होती है, ठीक है, वो एकदम फैलता है। वीनस ब्लड जो है वो क्योंकि वो उसमें वहाँ उस वीनस साइड पे प्रेशर नहीं होता तो वो ऊज करता है, ठीक है। तो नेचर एंटीमार्टम जो होता है मोस्टली आर्टीरियल, वीनस भी हो सकता है, ये वीनस ब्लड होता है या रेजिडुअल ब्लड जो होता है। साइंस ऑफ स्पर्टिंग इसमें प्रेजेंट होंगी, इसमें नहीं होंगी। वूंड एजेस, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वूंड जब भी प्रोड्यूस होगा, चाहे वो एब्रेशन है, लेसरेशन है, कोई भी है, उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी होगा। तो एंटीमार्टम वूंड जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमें मिलेगा, पोस्टमार्टम में नहीं मिलेगा। ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स बर्न्स ये सारी चीज़ें इसी तरह के आप लोग डिफरेंस आपको आएंगे, जो क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर का 3 नंबर का। तो एंटीमार्टम वूंड इन्फ्लेम्ड होंगे ऑब्वियसली, गैप होंगे, गैप का मतलब क्या है, टोन होती है ना स्किन की, यहाँ पे कट लगेगा एकदम से गैप हो ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्वोलन इवर्टेड मार्जिन्स, जबकि पोस्टमार्टम या बॉडी के अंदर, डेड बॉडी के अंदर, मैंने उस दिन भी बताया था कि टोन ख़त्म हो जाती है स्किन को, अगर आप इसमें कट करोगे तो वो ऐसी रहेगी, उसको आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, इवर्ट नहीं होगी मार्जिन उसके, टोन क्योंकि ज़ीरो हो जाती है। वाइटल रिएक्शन अभी बताया इतनी बार, प्रेजेंट होगा इसमें एब्सेंट। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये हर वूंड का, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया एज ऑफ वूंड, जब इंजरी होती है तो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वूंड के अंदर या वेसल के अंदर, जो उसको हीलिंग की तरफ लेके जाती हैं। जिस तरह इंजरी प्रोड्यूस हुई है पैथो में आपने पढ़ा तो क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सेल्स होती हैं, वो उसको क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो सारे आके क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं और वूंड को कवर करते हैं, फिर स्कैब बनता है, फिर कोगुलेशन टिश्यू, फिर स्कैब बनता है और उसको एंड पे जाके स्कार बनता है। तो ये एज ऑफ वूंड है बेसिकली, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस जो आती हैं इसके अंदर, इन्फिल्ट्रेशन बाय ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें हमें पोस्टमार्टम में नहीं नज़र आएंगी ऑब्वियसली। हिस्टोकेमिकल एग्जामिनेशन, ये एंजाइम एक्टिविटी होती है हर वूंड की,
इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री में 1 आवर आफ्टर इंजरी इंक्रीज होते हैं ये अमाइनो पेप्टाइडेज 2 आवर्स, एसिड फॉस्फेटेज अप टू 4 आवर्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज अप टू 8 आवर्स। तो इससे हमें एज ऑफ इंजरी जो है थोड़ा सा डिटरमिन कर सकते हैं, या ये वो मैकेनिज्म है पैथोलॉजिकल या बायोलॉजिक फिजियोलॉजिकल जो बोन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आप पैथो में ये डिटेल के साथ करोगे यही चीज़ कि जब इंजरी प्रोड्यूस होती है तो कौन से सेल्स आते हैं, कौन से एंजाइम रेज होते हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो या जब वेसल रप्चर होती है, वेसल पे इंजरी होती है तो किस तरह से वो रिपेयर होती है, क्लॉट किस तरह होता है, क्विक क्लॉट अपेयरेंस है, लेमिनेटेड वेसल वॉल एडहेरेंस होगी उसकी ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर्स, और एंटीमार्टम पोस्टमार्टम क्लॉट में क्या डिफरेंस है, एंटीमार्टम ब्लड फ्रेश ब्लड को अगर आप उस तरह उठाने की कोशिश करोगे या उसको, उसमें वो फाइब्रिन थ्रेड्स ही होंगी क्लॉटिंग की या फाइब्रिन की, जबकि पोस्टमार्टम जो होता है वो उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या बिल्कुल ही डल हो जाता है। हिस्टोलॉजिकल जो मैंने आपको बताया कि हर एज इंजरी का डिफरेंट होता है, इनिशियली कट होगा फिर उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगी, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ पे ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन और कोगुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन ये सारी होंगी जो हीलिंग ऑफ वूंड करेंगी, और एंड पे क्या होता है वूंड कैसे हील होता है विद स्कैब या स्कार फॉर्मेशन। फिर ये बायोकेमिकल मेथड्स हैं जिसके अंदर हिस्टामिन सेरोटोनिन लेवल जो राइज करता है वूंड के अंदर, ये भी इसका पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि विद इन 60 मिनट्स इस तरह से हिस्टामिन सेरोटोनिन जो है वो राइज करती है वूंड के अंदर, ठीक है, 1 घंटे के बाद वो सेटल हो जाता है। इनिशियल रिएक्शन जो होता है वूंड का, जिस तरह आपको मैंने बताया है, जिस तरह सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है उसके अंदर ये हिस्टामिन सेरोटोनिन के लेवल जो है वो इनिशियली इंजरी के अंदर इस तरह से रेज होते हैं, पहले सेरोटोनिन फिर हिस्टामिन फिर सेरोटोनिन एंड देन इक्वल हो जाते हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस जो आपको आ जाता है वो ये वाला था, ग्रॉस और एंटीमार्टम पोस्टमार्टम है, ये बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं वो इसके अंदर ही आप फिल कर सकते हो, तो इसको अच्छी तरह कर लेना, स्लाइड में शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो ये था बेसिक आज का मैकेनिज्म ऑफ वूंड प्रोडक्शन, फिर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के किस तरह से वूंड प्रोड्यूस होता है और क्या चेंजेस आती हैं वूंड के अंदर, कैसे आप लोग देखते हो वूंड को, वूंड रिपेयर किस तरह होता है, ये डिटेल के साथ आप करोगे, ब्रूज एब्रेशन लेसरेशन कंट्यूजन और एम्प्यूटेशन उसकी टाइप्स हर चीज़ विद सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, ठीक है, चलो थैंक यू।